Uh, dear students, uh, today we are going to read a very important poem. the name of this poem is daffodils, and it has been written by william wordsworth. Um, you know, william wordsworth is considered the greatest poet of nature um, because natural objects attract him, so he has written this poem. Uh, to his feelings and what he has seen and what he has perceived in the nature and um, uh, what he has observed during a particular scene and um, on the site of a lake so this very poem the name of this uh, poem is daffodils <clears throat> Dear students, this is a poem that I am going to first read aloud for you. And uh, then I have also translated this poem in Urdu, hope so that you will understand it better. The name of the poem is I Wander Lonely as a Cloud that floats on high over vales and hills. Then all at once I saw a crowd of a host of golden daffodils, besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continues that the stars shine <clears throat> and twinkle on the Milky Way. They stretched a never-ending line, all to the margin of bay. Ten thousand saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside him danced, but they outed the spreading waves in the gleam. A void could not be, but gay in such a jocular company. I gazed and gazed, but little thought, what wealth they show sure to me had brought. For out when I when my couch I lie in vacant or in pensive mood, the flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. So, did you know what is daffodils? Is is a kind of flower. It's a yellow color kind of flower, and it's considered one of one of the very attractive. फ्लावर्स दैट ग्रो इन ब्रिटिश एरियाज सो डर स्टूडेंट्स ना आई वो इट्स ट्रांसलेशन दैन आई विल गोइंग एक्सप्लेन अबाउट द लिट्रे डिट है इन दिस पॉइम मैंने इस मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ कि मैंने इस पॉइम की खुद एक ट्रांसलेशन की थी um, तो ताकि इस पॉइम को आपको समझने में बहुत आसानी होगी अकेले खोया हुआ था जैसे एक तन जैसे एक बादल मानो घूमता हो पहाड़ों और वादियों से होकर क्या देखता हूँ कि बेशुमार सुनहरी नरगिस के फूल दरिया के किनारे दरख्तों के साए तले नाच रहे हों जैसे कह के शाम में अनगिनत तारे चमक रहे हों बई थे उस तालाब के किनारे उनकी हद नहीं थी बैक वक़्त दस हजार खुशियों से झूम रहे थे हम हाँ उस तालाब की उठती झूमती मुझे मगर हकीर थी उस नरगिसी नाच के सामने कैसे न एक शायर गुल मिल जाए उस रफ़ी के मसरत के साथ बस देखते ही देखते रहा तब ये ना सोचा कितनी खुशियां समेट लिया समेट ली थी अब जब भी अपनी पलंग पर गुबारे खातिर लिए बैठता हूँ वो नज़ारा सामने आता है जो मेरी तन्हाई का वाद सहारा है मानो कि उस नज़ारे में नरगसी नाच नाचता हूँ तो फाइट इस मैं क्या कहता है कि मैं एक दफ़ा आई वनडर लॉन्ज क्लाउड यानी शायद अपने आप को इमेजन करता है कि वो एक दफ़ा ऊपर आसमान में अकेले घूम रहा था That on high or and hills, जो बादल ऊपर वादियों से होकर पहाड़ों से होकर गुजरता है When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, तो शायद क्या फरमाता है तो अचानक से वो जमीन पर एक लातदाद सुनहरी नरगिस के फूलों का झुंड देखता है बिसाइड इज द लेक बनी द ट्रीज़ और जो ये फूलों का झुंड इन सुनहरी नरगिस फूलों का झुंड था बिसाइड इज़ द लीक ये उस तालाब के किनारे किनारे खिले थे बनी द ट्रीज यानि उन दरख्तों के नीचे फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज़ जो फड़फड़ा रही थी और वी कैन से वायर मूविंग डांसिंग इन द ब्रीज यानी जो यहाँ पर जो शायर ने फ्लाइट ट्रिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज ये प्रोसोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है प्रोसोनीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को यानी बेजान चीज़ को यानी इंसानों के अलावा किसी और चीज़ को इंसानी क्वालिटी दें तो उससे फर्सानीफिकेसन कहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहेंगे द स्टोन वाज गजिंग एट मी स्टोन वाज गजिंग फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोन जो होती है वो um, बेजान होती हैं वो किसी की तरफ नहीं देखते हैं क्योंकि गैज इंसान की खासियत है इंसान ही किसी की तरफ लगातार देख सकता है लेकिन हमने स्टोन को परिसोनीफाई परिसोनीफाई किया है कि स्टोन इज गेजिंग एट मी तो उसमें हमने इंसान की क्वालिटी डाली है इसी तरह फॉर द विंड वॉज चेजिंग मी विंड मेरा ताकुब कर रही थी को विंड का मतलब विंड जो जानते हैं वेंड एक हवा है वो इंसान का तकुब नहीं कर सकती है लेकिन हमने उसमें इंसानी कोद बख्शी यानी इंसानी क्वालिटी बख्शी है तो इसी को कहते हैं फॉर सोनीफिकेसन सो फ्लाटरिंग एंड डांसिंग इन द्रीज शायर फरमाता है कि नहीं, इस खूबसूरत अंदाज में शायर फरमाते हैं कि जो भी वो सुनहरी फूल थे सुनहरी नरगिस के फूल थे वो लगातार डांस कर रहे थे देवर इन्जॉइंग ब्रीज ब्रीज मैंने हुआ हो गया कि सुबह की खुशगवार हवा यानी निजेंट ब्रीज, जो सुबह बाद जिसे हम उर्दू में भी बोलते हैं तो उसे बाद बोलते हैं कंटिन्यू शाइन एंड ट्विंकल ऑन मिल्की वे वो इस तरह से इस झील के किनारे चमक रहे थे जैसे कि आसमान में रात को तारे चमकते हैं दे स्ट्रेचिंग नेवर एंडिंग लाइन और ये दूर दूर तक फैले हुए थे उनकी कोई हद नहीं थी अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे जो आ, ये जो ये जो ये बैंक था या हम मार्जिन कहते हैं बैंक यानी किनारा इस किनारे किनारे तक किनारे पर पूरे किनारे तक ये फैले हुए थे टेन थाउजेंड सा आया थे कैलान तो शायर फरमाता है कि मेरी एक ही नज़र मैंने देखा कि वो लगातार दस हज़ार थे यानी इसका मतलब है कि देवर काउंटलेस दस हज़ार का मतलब यानी इसमें इस शायर ने एक लिट्ररी डिवाइस का इस्तेमाल किया है उससे बोलते हैं हाइपर बोली हाइपर बोली होती है कि जैसे हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं तो उससे बोलते हैं हाइपर बोली जैसे कि टेन थाउजेंड सा आट ग्स एक दफ़ा मैंने दस हज़ार देखे थे जैसे कि कोई आदमी इस खेत पे जाता है वो कहते हैं घर में आकर कहते हैं तट आसन फॉर एग्जांपल वहाँ दो तीन चिड़िया होती हैं जो खेत में होते हैं पत से वनाना गिर किए तट आ साढ़े सा हालांकि वहाँ दो तीन होती हैं लेकिन हम उस बात को स्टेस देने के लिए ताकि दूसरा इस मेरी बात को समझ जाए यानी मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाए तो हम बोलते हैं उसको हाइपरबोली यानी हम जिस चीज़ को ओवर स्ट्रेस देते हैं सो दैट इज कॉल्डर हाइपरबोली सो शायद भी यहाँ फरमाते हैं टेन थाउजेंड एंडल्स थाउजेंड दियर हैड्स इन स्प्रिंगलिन डांस और वो क्या कर रहे थे दे वर मूविंग अप एंड डाउन थाउजेंड मीन मूविंग अप एंड डाउन ओके द वेज बिसड इम डेंसड और यहाँ भी हेपरबोली का इस्तेमाल किया कि वेव वेव तो डांस नहीं कर सकती हैं लहरें तो भी डांस नहीं कर सकती इसमें भी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है द तो वेव्स बिसाइड दिम डांस वो जो वहाँ लहरें थी जो किनारे जो उस तालाब के किनारे जो तालाब था जब उन्होंने अपने किनारे पे नरगिस के फूलों को डांस करते हुए देखा तो वो भी डांस करने लगे बट दे आउट विद स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली तो शायर फरमाते हैं तो जो जो ये जो ये ओके इन गली शायर फरमाता है बिकॉज़ दे स्पार्किंग बिकॉज़ दे वर शाइनिंग बिकॉज़ ऑफ द वेव्स ऑफ द रेज ऑफ द सन यानी जो वहाँ जो नरगिस के फूल थे वो भी चमक रहे थे ओके okay? और लेकिन दे बट लेकिन जिस तरह से दे जिस तरह से उस किनारे पर नरकिस के फूल डांस कर रहे थे कि लहरें उस तरह से डांस नहीं कर रही थी लेकिन शायर का एक शायर किसी चीज़ को इस तरह से देखता है ये आम लोगों के बस की बात नहीं है शायर किसी चीज़ को अपने नज़रिया से देखता है उसको लगता था कि शायद कि वो पत्ते यानी वो फूल डांस कर रहे थे ओके? Okay? अब दूसरे पेज पे जाएंगे हम तो यहाँ क्या फरमाता है के इन तो यहाँ पर जॉकड कंपनी होता है हैप्पी कंपनी फ्लावर्स वेव्स एंड द जेंटल ब्रीज यानी एक रफ़ी की मसरत जिसे हम कहते हैं यानी रफ़ी के मसरत यानी खुशी का साथ ही शायर इंसान क्या कर सकता है इस नजारे को देख कर तो इंसान इंसान तो आ, खुद भी डांस करने लगता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं इंसान जाता है जहाँ पर ढोल बजता है तो आ, खुद ब खुद जब इंसान रुडोल के सामने पहुँच जाता है तो उसको उस आवाज़ की मधुरता को सुनकर वो खुद ब खुद उसकी जो ठांगे थिरकने लगती हैं इसी तरह शायर हो पाता है कि उन चीज़ों को देख कर यानी उस नज़ारे को देख कर इंसान एक शायर अपने आप को रोक नहीं सकता है तो वो भी वो भी डांस करता है डांस करने लगा आई गैजर एंड गैजर बिटल थाट ब्रॉट एट ब्रॉड वो शेर भरमाता है कि मैं लगा था उस नजारे की तरफ देखता रहा देखता रहा कि वट वेल ऑफ द शूम सोचा कि इन चीजों ने मेरे क्या लाया था यानी उन्होंने मुझे उस नजारे मेरे लिए कितनी खुशी लाई थी वो कितनी दौलत मेरे लिए पहुँची थी फ्रॉफ्टन नाई माई खोच है लाए इन वैकेंट और पेंसी मोट शायर फरमाता है अब जब भी मैं अपने पलंग पर गुबारे खाते लिए बैठता हूँ यानी गुबार फातर का मतलब होता है जब मैं इंसान जद परेशान मुशरबलब जिससे हम बोल सकते हैं बैठता है द फ्लैश दे फ्लैश दैट इन आई तो शायर फ़रमाता है तो वो नज़ारा मेरे सामने बिल्कुल दिखाई देता है कौन सा नज़ारा दिखाई देता है यानी वो नज़ारा जो उसने कभी आ, जो उसने कभी दरिया के किनारे देखा था जहाँ हज़ारों तदाद में नरगसी फूल नाच रहे हों जो इनबार्ड आई का मतलब हो गया कि वॉइट आई यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया है ओके ओके विच तन्हाई और फरमाता शायर फरमाता है कि ब्लिस हो गए बहुत ज्यादा खुशी और वो जब मैं अकेला होता हूँ तुम तो वो न, उस नजारे को मैं याद करता हूँ जो मैंने कभी देखा कभी देखा था तो मैं उसे देखकर बहुत खुश होता हूँ दे फ्लैश अपन दैन व ओके एंड देन माई हार्ट व्लेज फिल्स एंड डेंट विद डेफोड फिर शायर फरमाता माता के मानो कि मैं उस नज़ारे में नरगसी नाच नाचता तो हूँ कि वो नज़ारा जब मैं उस नज़ारे को याद करता हूँ तो जब मैं परेशान होता हूँ गम में मुबतला होता हूँ या मुशतरबलब होता हूँ तो मैं उस लम्हे को याद करता हूँ जब मैंने कभी वो नज़ारा देखा था जहाँ पर खुशी ख़रम वो वो नरगिस के फूल उस दरिया के किनारे डांस कर रहे थे सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स तो इससे पहले आपको मैं ही पढ़ाता मैं पढ़ाता हूँ टवेल्थ वाल, वालों को अब इसरार साहब पढ़ाते हैं जो बहुत ही अच्छे काबिल उस्ताद हैं लेक्चरर साहब हैं तो आज के बाद मैं शायद टवेल्थ वालों को नहीं वही पढ़ाएंगे और मैं अलेवन्थ वालों को पढ़ाऊँगा सो थैंक यू वेरी मच अल्लाह ब्लेस यू आल